नमस्कार दोस्तों, टैक्स पर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, EPS95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप भी पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट न्यूज पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर महेश त्रिवेदी जो कि विधायक है किदवी नगर कानपुर उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उन्होंने जो है एक लेटर पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को, और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है EPS95L पेंशन भोगियों दुर्दशा के संबंध में। और इस लेटर में क्या लिखा है, मान्यवर आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। आपको निवेदन से सूचित करना चाहता हूं कि हम EPS95 के पेंशनर्स देश के विभिन्न औद्योगिक संस्थान, भारत सरकार के निगम, राज्य सरकार के निगम एवं प्राइवेट प्रतिष्ठान में 35 से 40 साल कार्य करते हुए अपने मासिक वेतन से 541,250 मासिक कटौती करते रहे हैं और पेंशन के नाम पर 300 रुपये से 3000 रुपये तक पेंशन पाते हैं, जिसमें खाना तो क्या, बुढ़ापे में दवा का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। महोदय, आपके संज्ञान में लाना ये भी आवश्यक है कि देश विभिन्न प्रांतों में कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त उपरांत उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं, जो गाँव से लेकर शहर तक हर विधानसभा में है और इनकी जनसंख्या करीब 16 लाख पति पत्नी सहित से भी अधिक है। मानने से अनुरोध है कि मुफ्त में चिकित्सा सुविधा आयुष्मान योजना के तहत आपके परिवार आपके अधिकार क्षेत्र में ही है, अतः इसे लागू करने में कोई खास अड़चन भी नहीं है। मानने से सादर अनुरोध है कि राष्ट्रीय सगर समिति यानी कि NSE नेशनल एजुकेशन कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने समय निर्धारित कर सूचित करें, जिससे हम अपनी दुर्दशा से आपको अवगत करा सके। और यहाँ पर उन्होंने जो अपने मोहर और साइन यहाँ पे लगाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ये पत्र लेटर भेजा है EPS95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, और जो है मुफ्त में चिकित्सा सुविधा आयुष्मान योजना के तहत जो है उनको कवर करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है। कई सालों से जो है, कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि माननीय जो सांसद हैं वो जो है आश्वासन देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, आपको जरूर जो है पेंशन बढ़ोतरी होगी आपकी EPS95 पेंशन के तहत, स्कीम के तहत, बट अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि इसी महीने में, नवंबर महीने में जो है अभी EPFO की CBT की मीटिंग है, और वहाँ पर जो है एक अच्छा जो है आपको फैसला, एक अच्छी न्यूज मिलने को आ सकती है, वहाँ से निकल के आ सकता है। बाकी जो भी कोई नया अपडेट आएगा आपको जो है सारे अपडेट वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ जल्द।